दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी का छापा पड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छापा मारा है। विधायक के घर पर इस वक्त छापा पड़ा हुआ है। ईडी ने यह रेड पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले को आधार बनाकर डाली है ये रेड। और पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस रेड के 12 लाख रुपए कैश, एक बिना लाइसेंसिंग बरेटा पिस्टल और 2 अलग अलग बोर की कारतूस बरामद होने की खबर मिली थी। एंटी करप्शन ने उस वक्त आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी बनाई थी। ये पूरा जो केस था वो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी। और अब देखिए रेड पड़ी हुई है, ईडी का छापा पड़ा हुआ है आप विधायक अमानतुल्लाह के घर पर। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अमानतुल्लाह खान जो हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके घर इस वक्त छापेमारी चल रही है। वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसी को लेकर ईडी अब तथ्यों को खंगाल रही है, दस्तावेजों की तलाश कर रही है। और वरुण जैन मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, ईडी का छापा अभी भी चल रहा है, कितना समय हो गया और क्या जानकारी वहां से अब तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, आज सुबह ईडी की करीब आधा दर्जन टीमें थी, उन्होंने अमानतुल्लाह के जो अलग अलग ठिकाने हैं उनके जो करीबी है उनके करीब 8 से 10 ठिकानों पर ये रेड शुरू करी है। अमानतुल्लाह के घर पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। दरअसल जो दिल्ली वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला था जिसमें उसके साथ ही वक्फ बोर्ड में जो भर्ती को लेकर भी जो घोटाला हुआ था उसको लेकर एंटी करप्शन ब्रांच ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। एक FIR दर्ज की थी जिसमें अमानतुल्लाह के घर से ही करीब 12 लाख रुपए और उनके करीबी के ऐसे पिक्चर भी बरामद हुई थी। उस दौरान उनके करीबियों के ऐसे कुछ डायरियां बरामद हुई थी जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शन थी हवाला की करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी वो एंटी करप्शन को मिली थी जिसकी जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ साझा की गई थी। और उसी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब अपनी पड़ताल की कुछ एविडेंसेस मिले तो आगे जो छापेमारी है वो चल रही है। करीब आधा दर्जन अमानतुल्लाह के जो लोकेशन है वहां पर सर्च ऑपरेशन चला है। कब से छापेमारी चल रही है और क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि अब तक कुछ ईडी को मिला या नहीं मिला? देखिए करीब 2 से 2.5 घंटे से सर्च ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है। शुरुआती जानकारी में कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो बरामद हुए हैं। पहली इससे पहले एंटी करप्शन ब्रांच ने ही बरामद की थी करोड़ों रुपए की जो हवाला ट्रांजेक्शन है उनके बारे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इनपुट है। तो अभी क्या कॉन्क्रीट चीजें निकल कर आई है वो कहना बेहद मुश्किल होगा, नहीं लेकिन कई डॉक्यूमेंट्स और डायरीज वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है जो इस बात को तस्दीक करते हैं कि करोड़ों रुपए की जो हवाला ट्रांजेक्शन है पैसों का। बिल्कुल, नजरें बनाए रखिएगा वरुण, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।